राजनीतिक तौर पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब में क्या INDA गठबंधन का फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी सवाल किया गया था, उनका बड़ा बयान सामने आया है। भगवंत मान ने यह कह दिया है कि 13-0 से जीत रहे हैं। INDA गठबंधन की बैठकों के दौर के बीच मान का ये बयान है। अब इसे कैसे समझा जाए, इसके मायने क्या है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। 13-0 की बात कही है, 13-0 से जीत रहे हैं ये कहा है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। एक तरफ ये बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव में कैसे ये INDA गठबंधन आपस में मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन 13-0 वाली बात, क्या इसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है? क्या मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव पंजाब में भी लड़ सकते हैं, या दूसरा INDA गठबंधन का पूरा इसमें अक्स दिखाई देगा, ये बड़ा सवाल है। अब यही सवाल पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये मानना है कि हम 13-0 से जीत रहे हैं, उनको इस बात का पूरा यकीन है। देखिए, नेता हमेशा ऐसा बोलता है और नेताओं से ये उम्मीद भी करनी चाहिए कि वो क्यों ये कहे कि वो कम सीट जीत रहे हैं या फिर उनके सामने कड़ा मुकाबला है, ये कभी कोई नेता नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी जो बात INDA गठबंधन से संबंधित है, उस बात को देखते हुए हर बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असल में क्या कहा था। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0 जीतेंगे जी। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0 जीतेंगे जी। हमारे साथ हरसिमरत पोल हमारी संवाददाता इस समय जुड़ चुकी हैं, जो पंजाब के मामलों पर, राजनीति पर पूरी तरह से नजर रखती हैं। हरसिमरत, इस बयान को कैसे देखा जाए? एक तरफ INDA गठबंधन की एकता का राग अलापा जाता है नेताओं की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व को हालांकि ये निर्णय लेना है। चंडीगढ़ में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मेयर चुनाव में देखा गया, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की कसम खा चुकी हैं। लेकिन यहां पंजाब में क्या हम ये मानकर चले कि अभी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार दिखाई नहीं दे रही है कि वो INDA गठबंधन के स्टेट शेयरिंग के फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर सके? बिल्कुल कमल, जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो है पूर्ण तरह से तैयार नहीं है, हालांकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, INDA गठबंधन में और भी जो पार्टियां हैं, जिस प्रकार से खासतौर पर कांग्रेस को इसमें देखा जा रहा है, तो इनमें से अभी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है, खासतौर पर मैं पंजाब की बात करूंगी, वो बच रही है इस पर बयान देने से। क्योंकि जहां तक चंडीगढ़ की बात थी, वहां पर देखा कि कांग्रेस की तरफ से पहले ये बात कही गई कि हम लोग अलायंस में जा रहे हैं, और वहां पर पवन बंसल जो उनके शीर्ष नेता है, उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया। पर अगर पंजाब से देखा जाए तो यहाँ से किसी का भी कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया, और देर शाम जो है वहां से जो चीफ स्पोक्स पर्सन है मलविंदर कंग, उनका जरूर बयान सामने आता है, और उसके बाद अगले दिन की बात की जाए तो राघव चड्ढा जो है वो जरूर इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। पर बात की जाती है चंडीगढ़ की कि हम लोग गठबंधन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इसी पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और हमारे दर्शकों को हम सुनवाना भी चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने राघव चड्ढा का जिक्र किया तो मैं उनका बयान सुनाना चाहता हूं जो हमने कल सुनाया था, लेकिन जब भगवंत मान का बयान सामने आया तो उसकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जब जीत हुई थी तो उसमें एक अहम भूमिका राघव चड्ढा ने भी निभाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका भी एक अहम योगदान माना जाता था जो रणनीति पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त अपनाई थी। राघव चड्ढा ने क्या कहा था INDA गठबंधन और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर, जो एक साथ लड़ने की बात सामने आई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, सुनते हैं, उसके बाद हरसिमरत पोल के पास फिर से आपके लिए चलेंगे। सुनिए। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है, और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा, ये हरसिमरत राघव चड्ढा तो कह रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के आला कमान के नजदीक रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब के हिसाब से बोलना है, क्या हम यही बात मानकर चलें कि वो पंजाब के हिसाब से, पंजाब की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हैं और ये देश की राजनीति के हिसाब से? राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हरियाणा की भी बात आती है, वहां भी आम आदमी पार्टी अपना हिस्सा बड़े स्तर पर मांगेगी, वो कहेगी आप पंजाब में हिस्सा दे रहे हैं तो हरियाणा में बराबर का दीजिए। ये लग रहा आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी तो आने वाली है राजनीतिक तौर पर दोनों पार्टियों के बीच में?
बिल्कुल कमल, क्योंकि अभी दोनों जो पार्टियां हैं वो हाई कमान के खेमे में खेल रही हैं। वहीं पर अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो वो हर बात पर यही कहते हैं कि अभी तक कोई इस बारे में फैसला नहीं आया है, पर जो हाई कमान कहेगा हमें मंजूर होगा और उसी के हिसाब से चलेंगे। पर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से शुरू से लेकर अब तक एक ही बयान सामने आया है कि पंजाब में आप 13-0 से जीतेगी। उनका यही जो बयान है शुरू से चल रहा है, और अभी फिलहाल जो है वो उन्होंने कभी हाईकमान की बात नहीं की है, क्योंकि वो एक औहदा रखते हैं खुद उस हाईकमान का। क्योंकि जब भी केजरीवाल जो है माने जाते हैं संयोजक आम आदमी पार्टी के, उनके साथ कहीं भी जाते हैं तो भगवंत मान ज्यादातर नजर आते हैं। तो ऐसे में जो केजरीवाल कहते हैं वही बात जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान दोहराते हैं, पर वो जहां पर कई स्टेजेस उन्होंने केजरीवाल के साथ शेयर भी करी हैं तो वहां पर भी वो यही कहते हुए नजर आए हैं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी वो 13-0 पर रहेगी और जीतेगी, 13 की 13 सीटें जो है वो जीतेगी। तो अब ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जो ये बयान है काफी इसको माना खास माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में अभी चंडीगढ़ को लेकर के इनका गठबंधन जो है वो तय हुआ है, पर आगे पंजाब में गठबंधन जाएगा या हरियाणा में गठबंधन जाएगा नहीं, ये देखने में बड़ा दिलचस्प। और एक और दबाव होगा हमारी पार्टी पर और कांग्रेस पर, ये बताएं कि आपने मेयर चुनाव लड़ने की तो बात कह दी है लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला आप तय करने की बात कर रहे हैं उसका खुलासा कब करेंगे? बार बार हर दिन ये सवाल पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हरसिमरत पौल जानकारी दी है इस खबर पर।